नवाचार चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मिशन प्रेरणा के 6 महत्वपूर्ण घटक हैं, प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा सूची, प्रेरणा तालिका, आधारशिला, ध्यान आकर्षण और शिक्षण संग्रह। प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा सूची और प्रेरणा तालिका पर आधारित प्रश्नों के विषय में 3 वीडियो बनाकर मैं पहले आप लोगों से शेयर कर चुकी हूं। यदि आप लोगों ने वे वीडियो नहीं देखी हैं, तो उनका लिंक स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप लिंक पर टच करके वे तीनों वीडियो देख सकते हैं। आज की हमारी वीडियो आधारशिला मॉड्यूल पर आधारित प्रश्नों के संबंध में है। इस वीडियो में आधारशिला पर आधारित कुछ प्रश्नों के विषय में विस्तार के साथ आप लोगों के साथ चर्चा की जाएगी। पहला प्रश्न है हमारी स्क्रीन पर, आधारशिला मॉड्यूल में कितने भाग हैं? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 5, 4, 6, 3। तो आधारशिला मॉड्यूल के 6 अर्थात 6 भाग हैं। इसका सही जवाब है 6। दूसरा प्रश्न है, आधारशिला किन किन कक्षाओं की दक्षताओं के लिए है? कक्षा 1 व 2 के लिए, कक्षा 1, 2 व 3 के लिए, कक्षा 1 से 5 तक के लिए, कक्षा 3 से 5 तक के लिए। तो इसका सही जवाब है कक्षा 1, 2 व 3 के लिए है, अर्थात कक्षा 1, 2 व 3 के लिए आधारशिला हस्तपुस्तिका का निर्माण किया गया है। इसमें हमारे कुछ साथी कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि पहले आधारशिला कक्षा 1 व 2 के लिए निर्धारित की गई थी, लेकिन बाद में संशोधित करके आधारशिला को कक्षा 1, 2 व 3 के लिए निर्धारित किया गया है। प्रारंभिक स्तर पर आधारभूत दक्षताएं किन विषयों के लिए हैं? भाषा, गणित, परिवेशी अध्ययन, भाषा, गणित या ख एवं ग। तो इसका जवाब है कि प्रारंभिक स्तर पर आधारभूत दक्षताएं भाषा और गणित विषयों के लिए हैं। तो इसका सही जवाब होगा ग, अर्थात ख एवं ग। प्रारंभिक स्तर पर आधारभूत दक्षताएं भाषा और गणित विषयों के लिए निर्धारित की गई हैं। प्रेरणा लक्ष्य भी भाषा और गणित विषयों के ही निर्धारित किए गए हैं। भाषा विकास का सही क्रम है बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना, सुनना, पढ़ना, बोलना, लिखना। तो इसका सही जवाब है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, जिसको हम संक्षेप में सुगोपली के नाम से भी जानते हैं। सही क्रम याद रखने के लिए हम इसको संक्षेप में सुगोपली कह देते हैं। SRG की फुल फॉर्म क्या है? सीनियर रिसोर्स ग्रुप, स्टेट रिसोर्स ग्रुप, स्टूडेंट रिसोर्स ग्रुप, सिस्टम रिव्यू ग्रुप। तो साथियों ध्यान दें, बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत SRG की फुल फॉर्म है स्टेट रिसोर्स ग्रुप। राज्य स्तर पर स्टेट रिसोर्स ग्रुप बनाए गए हैं। ये हर इस ग्रुप में हर जनपद से 3 शिक्षक इसमें शामिल हैं। उन 3 शिक्षक के समूह को स्टेट रिसोर्स ग्रुप कहा जाता है, जो पूरे जनपद की मॉनिटरिंग करते हैं। ARP की फुल फॉर्म क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव रेमेडी प्रोसीजर, एडवांस रिसर्च प्रोग्राम, एकेडमिक रिसोर्स पर्सन, एडिशनल रिसोर्स प्रोविजन। तो बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत या बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में ARP की फुल फॉर्म है एकेडमिक रिसोर्स पर्सन। एकेडमिक रिसोर्स पर्सन प्रत्येक ब्लॉक पर 5-5 चुने गए हैं। इनका कार्य अपने अपने ब्लॉक की मॉनिटरिंग करना होता है। ये हिंदी, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान से संबंधित होते हैं। अगला प्रश्न है, फाउंडेशन शिविर की अवधि कितने दिन की होगी? 40 दिन, 30 दिन, 35 दिन या 50 दिन? तो
तो इसका सही जवाब है 50 दिन। फाउंडेशन शिविर की अवधि 50 दिन की होगी। हमारा अगला प्रश्न है, अध्ययन की दृष्टि से लर्निंग आउटकम को कितने भागों में बांटा गया है? 5, 3, 4, 2। तो हमारा इसका सही जवाब है 3। अध्ययन की दृष्टि से लर्निंग आउटकम को 3 भागों में बांटा गया है। में 3 प्रकार है, केंद्रित या फोकल लर्निंग आउटकम, नेस्टेड आउटकम और उप आउटकम। अगला प्रश्न देखते हैं, व्यापक दृष्टिकोण पर आधारित लर्निंग आउटकम है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, उप आउटकम, केंद्रित आउटकम, नेस्टेड आउटकम, उप व केंद्रित आउटकम। तो व्यापक दृष्टिकोण पर आधारित लर्निंग आउटकम है केंद्रित आउटकम। इसका सही जवाब होगा केंद्रित आउटकम। अगला प्रश्न है, फाउंडेशन लर्निंग शिविर की साप्ताहिक कक्षा को कितने सप्ताह में बांटा गया है? 7 सप्ताह, 5 सप्ताह, 6 सप्ताह, 4 सप्ताह। तो इसका सही जवाब है 7 सप्ताह। फाउंडेशन लर्निंग शिविर की साप्ताहिक कक्षा को 7 सप्ताह में बांटा गया है। प्रश्न 11 है, गतिविधि के कितने चरण हैं? 5, 6, 4, 3। तो गतिविधि के 4 चरण हैं। वे चरण कौन कौन से हैं? इनको हम देखते हैं अगले प्रश्न में। देखिए प्रश्न है, गतिविधि के 4 चरण कौन से हैं? ELPS, AREG, ERAC, SLEP। तो इसका सही जवाब है ERAC। गतिविधि के 4 चरण हैं ERAC। E अर्थात एक्सपीरियंस, R अर्थात रिफ्लेक्शन, A अर्थात एप्लीकेशन और C अर्थात कंसोलिडेशन। गणित सीखने का क्रम क्या है? LEPS, ELPS, SLEP, PELS। गणित सीखने का सही क्रम है ELPS। E अर्थात एक्सपीरियंस, L अर्थात लैंग्वेज, P अर्थात पिक्चर और S अर्थात सिंबल। तो गणित सीखने का सही क्रम है ELPS। व्यक्तित्व निर्माण की आधारशिला किस शिक्षा को माना गया है? माध्यमिक शिक्षा, पूर्व माध्यमिक शिक्षा, पूर्व प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा। व्यक्तित्व निर्माण की आधारशिला प्राथमिक शिक्षा को माना गया है। यह इसका सही जवाब है प्राथमिक शिक्षा। कक्षा 1, 2 व 3 के छात्रों में भाषाई व गणितीय कौशलों के विकास के लिए कौन सी हस्त पुस्तिका या मॉड्यूल विकसित किया गया है? शिक्षण संग्रह, ध्यानाकर्षण, आधारशिला या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है आधारशिला। आधारशिला कक्षा 1, 2 व 3 के छात्रों में भाषाई व गणितीय कौशल विकसित करने में सहायक सिद्ध होगी। अगला प्रश्न है, कौन सी अवस्था व्यक्तित्व विकास की दृष्टि से एक निर्णायक अवस्था होती है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। इसका सही जवाब है शैशवावस्था। शैशवावस्था व्यक्तित्व विकास की दृष्टि से एक निर्णायक अवस्था होती है। प्रश्न 17, अकादमिक संदर्भ समूह के कौन कौन से स्तर हैं? ध्यान दीजिएगा, हमने आपको पहले बताया था कि राज्य स्तर पर SRG का चयन किया गया है, जिला स्तर पर ARP का चयन किया गया है और यहाँ पर एक तीसरा ऑप्शन दिया है, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक रिसोर्स पर्सन BRP और घ में दिया है क और ख। तो इसका सही जवाब होगा क और ख, अर्थात अकादमिक संदर्भ समूह के 2 स्तर हैं SRG और ARP। अकादमिक संदर्भ समूह को हम कहेंगे ARG अर्थात एकेडमिक रिसोर्स ग्रुप।
एकेडमिक रिसोर्स ग्रुप जो है SRG और ARP इन दोनों को मिलाकर बनता है। गतिविधि के कितने प्रकार हैं? ध्यान दीजिएगा, पहले हमने पीछे प्रश्न पूछा था कि गतिविधि के कितने चरण हैं, और अब पूछा जा रहा है गतिविधि के कितने प्रकार हैं। गतिविधि के चरण थे 4, अब देखते हैं गतिविधि कितने प्रकार की है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4, 5, 3 और 6। तो गतिविधि जो है वह 4 प्रकार की होती है। इसका सही जवाब है 4। ध्यान दीजिएगा, गतिविधि के चरण भी 4 ही होते हैं, ERAC, और गतिविधि होती भी 4 ही प्रकार की है। मौखिक गतिविधि, लिखित गतिविधि, TLM आधारित गतिविधि और ICT आधारित गतिविधि। अगला प्रश्न है, दीक्षा ऐप का प्रयोग कौन सी गतिविधि में आएगा? अभी हमने आपको बताया गतिविधि 4 प्रकार की होती है, मौखिक, लिखित, TLM आधारित और ICT। तो दीक्षा ऐप का प्रयोग इनमें से ICT आधारित गतिविधि के अंतर्गत आएगा। इसका सही उत्तर होगा ICT आधारित। अंतिम प्रश्न है, तीनों हस्त पुस्तिकाओं का विकास किस समूह के द्वारा किया गया है? केंद्र गुणवत्ता समूह द्वारा, राज्य गुणवत्ता समूह द्वारा, NGO द्वारा या ARP समूह द्वारा? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है राज्य गुणवत्ता समूह द्वारा। वैसे इन तीनों हस्त पुस्तिकाओं के विकास में SCRT, यूनिसेफ, इग्नस पहल और गुणवत्ता प्रकोष्ठ समग्र शिक्षा अभियान सबका सहयोग रहा है, लेकिन यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से सही जवाब है राज्य गुणवत्ता समूह द्वारा। तो इस प्रकार से मेरे द्वारा एक प्रयास किया गया है कि आधारशिला पर आधारित कुछ प्रश्न आप लोगों के लिए मैंने बनाए हैं। आशा है आपका मेरा यह प्रयास, आपको यह मेरा प्रयास पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए प्रकरण के साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।